हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चोपड़ा एजुकेशन और मैं हूं हर्षाय चोपड़ा। 30 मार्च 2020 को एमसीसी की वेबसाइट पर ईएसआईसी के रिजर्वेशन कोटा के रिगार्डिंग एक नोटिस डाला गया है, तो क्या लिखा है इस नोटिस में ये जानने से पहले हम एक बार इन ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज में कौन कौन सा कोटा है इसके बारे में जान लेते हैं। तो इंडिया में ईएसआईसी की टोटल 9 कॉलेजेज हैं। इन 9 कॉलेजेज में टोटल 900 सीट्स हैं। इनमें 15% ऑल इंडिया कोटा की 135 सीट्स हैं, जिस पर ऑल इंडिया का किसी भी स्टेट का कोई भी कैंडिडेट एडमिशन ले सकता है। इन सीटों पर एडमिशन एमसीसी द्वारा करवाया जाता है। इसके बाद में 442 सीट्स स्टेट कोटा के लिए रिजर्व हैं, जिसमें जिस स्टेट में ये ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज सिचुएटेड है उस स्टेट का कोई भी कैंडिडेट एडमिशन ले सकता है। इस स्टेट कोटा के लिए काउंसलिंग उसी स्टेट की काउंसलिंग अथॉरिटी द्वारा करवाकर एडमिशन दिया जाता है। इसके बाद में तीसरा कोटा होता है ईएसआईसी आईपी यानी इंसर्ड पर्संस कोटा, जिसकी 323 सीट्स हैं और इन पर एडमिशन जो इंसर्ड पर्सन हैं उनके बच्चे ही एडमिशन ले सकते हैं। ईएसआईसी कोटा की काउंसलिंग भी एमसीसी द्वारा करवाई जाती है। मेडिकल के अलावा गुलबर्गा कर्नाटका में एक ईएसआईसी की डेंटल कॉलेज भी है। इन ईएसआईसी की मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस यानी यूजी के अलावा एमडी एमएस पीजी कोर्सेज भी करवाए जाते हैं। अभी तक पीजी कोर्सेज में भी ये तीनों प्रकार का कोटा होता था। आपको पता है अभी पीजी की काउंसलिंग चल रही है, हालांकि सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये काउंसलिंग अभी होल्ड है, मगर अभी ये जल्दी ही स्टार्ट होने वाली है। अब हम बात करें एमसीसी के इस नोटिस में क्या लिखा है। तो इसमें लिखा है पीजी सीट के लिए ईएसआईसी वार्ड का कोई रिजर्वेशन नहीं है। इससे ये क्लियर होता है कि पीजी में ईएसआईसी कोटा नहीं होगा। इसमें ईएसआईसी की मेडिकल कॉलेज में 50% ऑल इंडिया कोटा पीजी में होगा और 50% स्टेट कोटा पीजी के लिए होगा। इसमें आगे लिखा है कि एमसीआई की वेबसाइट पर ईएसआईसी आईपी वार्ड रिजर्वेशन के लिए जो क्लाज है वो सिर्फ यूजी सीट के लिए ही एप्लीकेबल है। साफ शब्दों में अर्थ यही निकलता है कि एमबीबीएस बीडीएस के लिए ईएसआईसी कोटा लागू रहेगा, यानी कि 2020 में भी 323 सीट पर ईएसआईसी कोटा के तहत रिजर्वेशन जारी रहेगा। अभी काफ़ी स्टूडेंट इस बात को लेकर चिंतित हैं कि ईएसआईसी की वेबसाइट पर अभी तक कोई एमबीबीएस बीडीएस एडमिशन के रिगार्डिंग नोटिस नहीं डाला है। तो मैं आपको बता दूं कि अभी काफ़ी समय है, जल्दी ही ईएसआईसी की वेबसाइट पर एडमिशन के रिगार्डिंग नोटिस देखने को मिलेगा। वीडियो के अंत में यही कहना चाहूँगा कि 2020 में भी ईएसआईसी कोटा के तहत एडमिशन होगा। इसमें एडमिशन कैसे लेना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है, इन सब का वीडियो बना चुका हूं, आप चैनल सर्च करके देख सकते हैं। ईएसआईसी सर्टिफिकेट के लिए आप नीट एग्जाम के बाद अपने ईएसआईसी रीजनल ऑफिस से प्राप्त कर सकते हैं। बाकी डिटेल का वीडियो एग्जाम के बाद बना दूंगा, जैसे ही ईएसआईसी की कोई अपडेट मिलेगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, वीडियो को लाइक व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ में नए वीडियो में, तब तक लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद।